नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रसोईया संघ के बैनर तले आज गेट स्कूल के प्रांगण में जिले के सभी प्रखंडों से आए रसोईया कर्मी लोग एकजुट होकर एक बैठक का आयोजन किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गेट स्कूल के प्रांगण में एक बैठक आयोजित कर सरकार से अपनी कई मुद्दे को लेकर रसोईया कर्मी ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का संदेश दिया। घना को लेकर आज अपने रसोईया कर्मी का निर्णय लेने का वक्त आ गया है। बताते चले कि कई रसोईया महिला कर्मी ने अपने वेतन को लेकर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हमें 1600 रुपये प्रति माह मानदेय देती है। इस 1600 मानदेय से हमारे बच्चे का भोजन तक भी नहीं होता है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी कैसे। हमें 1600 के बदले सरकार से 10000 रुपये प्रति महीना मानदेय दे सरकार हम लोग को चाहिए और सरकार हमें पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराए। इसी बात को लेकर कई महिलाओं ने इस बात को सरकार के दोहरी नीति के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हुए 3 नवंबर को पटना में एक विशाल अनिश्चितकालीन धरना करने का ऐलान किया और आगे रसोईया कर्मियों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है तब तक हम लोग कार्य को बंद कर रखेंगे और कोई रसोईया खाना बनाने का काम नहीं करेगी। यह निर्णय रसोईया संघ के नेताओं द्वारा लिया गया है और आगे रसोईया कर्मी ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काम कर रहे हैं 12 महीना, हम लोग के वेतन मिल रहा है 10 महीना के, वहू में उतना में पेट नहीं भर रहा है, 1600 रुपया मिल रहा है। सर, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोग के 10000 महीना होवे, समझे ना। और कहा कि रसोईया के बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। सर बताइए तो हम लोग जियेंगे कैसे, हमारा बाल बच्चा जिएगा कैसे, दुनिया संसार हम लोग के चलेगा कैसे। और कहा कि हम लोग के मतलब उम्र बढ़ जाएगा तो हम लोग के हटा देगा, वो पेंशन देबे नहीं करेगा सरकार, तो हम इन लोग काम करके हम लोग का करेंगे। सर हम यह कहना चाहते हैं कि घर पोखरा है बबीता कुमार नाम है पोखरा पंचायत में, ठीक है, काम करते हैं तो 12 महीना काम करते हैं, हमको 1600 रुपये है तो 50 रुपये में 1 kg सब्जियों भी नहीं होता है सर, तो हम लोग खट रहे हैं, तो हमको 10000 रुपया चाहिए महीना में, 12 महीना के अथी चाहिए, वेतन चाहिए और पेंशन चाहिए। जवानी रहते हैं तो सरकार घर खटेंगे, अब बुढ़ापा हो जाएगा तो अपना घर बैठ जाएंगे, इतना में बाल बच्चा के पढ़ावेंगे कि लिखावेंगे कि भोजन चलावेंगे। मेरा नाम संगीता देवी है सर, मिनी बिघा प्राइमरी स्कूल के संख्या 1 के रसोईया हूँ। अब मेरा यही कहना है सर कि 1600 हमनी के महीना मिल रहा है, वो हमनी के 12 महीना के नहीं मिलता है, मार्च का नहीं मिलता है और जून का नहीं मिलता है वेतन, और एब्सेंटी जाता है पूरा माह। अब हमनी के कहते हैं टीचर लोग कि आप 9:30 बजे आइए, ताला खोलिए, चपरासी वाला काम कीजिए, चपरासी वाला वेतन मिलेगा तो हमनी खुद से वहाँ रहेंगे हाजिर। बाकी हमनी के 1600 में तो अपनी बाल बच्चा के नहीं खिलाएंगे, पति के खाना नहीं बना के देंगे, तो हमनी के 1600 में पति मारते हैं ना, कहते हैं कि 1600 में कमा रही है, इतना गुमान दिखा रही है, हमको खाना बना के नहीं खिलाएगी, तो काम करते हुए हमनी स्कूल में पहुंचेंगे। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? मांग कर रहे हैं कि हमनी के 10000 के मानदेय चाहिए और 12 महीना चाहिए हमनी का, और अथी चाहिए, पेंशन चाहिए। काम आप लोग 12 महीना करते हैं, वेतन सरकार के द्वारा 10 महीना का मिलता है? 10 महीना का मिलता है सर, इतना मेरे साथ अन्याय है हम लोग का साथ, रसोईया के साथ। दलिया बनावली मोदी जी, बतावा बनावली मोदी जी, बनावली मोदी जी, बनावली मोदी जी, सब जी के बेरिया मटरक बका देलन हो राम राम हो, सब जी के बेरिया मटरक बका देलन हो, 12 महीना डिपटी कैली 10 महीना तनखा देलन मोदी जी, हमनी के 10000
रखा।